नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज रक्षाबंधन का पावन दिन है, एक पर्व त्यौहार है। रक्षाबंधन जो त्यौहार है मनाया जाता है, एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके, और इसी मौके पे देखते हुए बहुत सारी वारदात हमारे सामने देखने के लिए हमें मिल रही है। जैसे कि आप सभी वाकिफ होंगे कोलकाता गैंगरेप केस से, तो ऐसा ही एक केस जो है हमें रुद्रपुर से देखने के लिए सामने आया है। रुद्रपुर में भी एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, और आपको बता दें कि देहरादून में जो ISBT है वहां पे भी ISBT के अंदर, बस के अंदर एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ और रेप का मामला सामने आया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहती है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की हेडलाइन। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की हेडलाइन कुछ इस तरीके से है कि रोडवेज के काउंटर से कर्मचारी को हिरासत में लिया, किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की जांच में पूछताछ के लिए चौकी लाई पुलिस। एक खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पे एक अस्पताल में कार्यरत एक जो नर्स है, या फिर नर्सिंग स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं उसको, तो वो उसकी लाश कहीं झाड़ियों में पाई गई है, और उसके साथ भी जो मामला है रेप का है, और ये मामला काफ़ी गंभीर है। और सेम ऐसा ही मामला कोलकाता से हमें देखने के लिए सामने आ रहा है, जो जिसका काफ़ी नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ कोलकाता, क्योंकि मीडिया इसको उछाल रही है, क्योंकि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है। लेकिन ये रेप जैसी जो शर्मनाक जो वारदात हैं, ये कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतर्क रहें, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे आसपास कौन घूम रहे हैं, उनसे बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें। और मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ जो भी ये हमारे साथ कृत्य हो रहे हैं, चाहे फिर वो बंगाल के कोलकाता शहर में हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ क्यों ना हो। बेटी तो बेटी है। आप सबने ये वाला गाना तो जरूर सुना होगा, क्लास नर्सरी में गाया जाता है, जब बच्चा पहली कदम रखता है अपने किसी स्कूल में जाने के लिए, और वहाँ पे जाके जब उसके टीचर्स उससे ये वाली प्रेयर करवाते हैं कि वी शैल ओवरकम सम डे डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव। ये जो लाइन मैंने बोली है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो बड़े हो के अपने पैरों पे खड़े हो सके, और एक अच्छी लाइफ, एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके, कोई बड़ा ऑफिसर बने, IAS बने, जज बने, या कोई एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बने, आर्मी में जाए, कुछ भी करे, एक नाम कमाए। तो यही जो नाम है, वो जो कोलकाता में रेप विक्टिम है, नेम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि नेम डिस्क्लोज करना भी अपने आप में एक ऑफेंस है। किसी भी रेप विक्टिम का नेम और आइडेंटिटी अगर आप डिस्क्लोज करते हो तो वो भी एक ऑफेंस है। तो ये रेप जो है एक सोशल इविल है, लोगों की ये मेंटल प्रॉब्लम है, बहुत गिरी हुई सोच के लोगों द्वारा किया गया एक कृत्य है, और ऐसे किए गए कृत्य के लिए घोर से घोर पनिशमेंट यानी कि सजा होनी चाहिए। नो ट्रायल, नो हियरिंग, नो प्रोसिक्यूशन, नो एविडेंस। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका एक मैक्सिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि बोथ द पार्टी शुड बी हर्ट। अब एक कॉमन मैन क्या सोचेगा किसी रेप इंसिडेंट को देख के, वो क्या सोचेगा, उसके जहन में क्या आएगा कि इसको गोली से मार देना चाहिए, इसको जान से मार देना चाहिए, इसको रोड में नंगा दौड़ा के मारना चाहिए, इसको जो है इसका गला काट देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जो पनिशमेंट्स हुई
होती थी ये पहले मुस्लिम पीरियड्स में हुआ करती थी, जब यहाँ पे मुगलों का राज हुआ करता था। जब कोई भी ऐसी सजा करता था, जब कोई भी ऐसा अपराध करता था, तो उसका गला काट दिया जाता था, उसकी उंगलियां काट दी जाती थी, ठीक है। और इस ये जो है ये पनिशमेंट भी अपने आप में जो है काफ़ी कंडेमनेबल है, काफ़ी निंदनीय है। हो सकता है कि जो वो विक्टिम है, जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, अभी ऑफेंडर नहीं है, अभी एक्यूज है, हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, कुछ भी हो सकता है, हो ये भी सकता है, क्या पता वो रेप उसने ना किया हो, क्या पता। जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है कि 150 मिलीग्राम सेमन वेजाइनल ट्रैक्ट में पाया गया उस लड़की के, उस रेप विक्टिम के, उस डिजीज्ड के। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसके माँ बाप के उम्मीदें जोड़ी थी कुछ उससे, जिससे जैसे कि सभी पेरेंट्स की उम्मीदें उनकी अपने बच्चों से होती है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुआ तो बहुत गलत है। अब एक कॉमन आदमी की तरह अगर हम सोचेंगे तो उसको मार देना, उसको पकड़ के उसको जिंदा गाड़ देना, उसको उसका कत्लेआम कर देना, तो वो भी अपने आप में एक जस्टिस नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने आपको बताया, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, बोथ द पार्टीज शुड बी हर्ड, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। क्या पता दोनों पक्षों को सुनेंगे तो जो अभी एक्यूज्ड है संजय रॉय, जहां तक मुझे नाम याद है, क्या पता वो कुछ और खुलासा करे, हो सकता है पॉलिटिकल मामला निकले, हो सकता है कि एक से जो है जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि गैंग रेप है, अभी इसका वर्डिक्ट नहीं आया है। ये जो है आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन आज इसकी जो है सुनवाई नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। कल दिस केस विल बी हर्ड बाय चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को तो सभी आप जानते होंगे, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। तो देखना इन्वेस्टिगेशन का ये जो प्रोसेस है सीबीआई के हैंड्स में गया है, ठीक है। सीबीआई जो है अपनी चार्जशीट सौंपेगी, सीबीआई भी एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जैसे कि पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग काम होता है कि किसी भी वारदात के वो तह तक जाए, सारे सबूत जुटाए और उसके बाद उन सबूत जुटाए गए सबूतों को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। तो इन द सेम सेंस एंड इन द सेम वे यही काम होता है सीबीआई का भी। वो जो है सेंट्रल एजेंसी होती है और वो जो है किसी भी मामले की जो जांच करती है काफ़ी गहराई से करती है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास बहुत सारे टेक्निकल टूल्स होते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तो ये वर्डिक्ट तो हमें कल ही सुनने को मिलेगा, हो सकता है ये मामला और आगे बढ़े, हो सकता है इसमें बहुत सारे अभी एक्यूज निकल के आए, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था सही नहीं है, हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ही ठीक नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि जितनी छूट पुलिस वालों को दी गई है और जैसे कि वो जो भी पुलिस वाले अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने पोस्ट का दुरुपयोग करते हैं, और बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अपने पोस्ट का सदुपयोग करते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे पब्लिक ऑफिसर्स बोलते हैं इन्हें, और आए दिन जो है ये कटघरे में खड़े रहते हैं कोर्ट में जजेस के सामने अपने किए गए इन गिल्टी ऑफेंसेस के लिए, इन छोटे छोटे जो इनके डिपार्टमेंटल ऑफेंसेस होते हैं जो ये करते हैं, जो ये नेग्लिजेंस दिखाते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई रेप विक्टिम कहीं पे जा रहा है, किसी चौकी में जा रहा है, तो ये बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उन तमाम सवालों को जानने के बाद भी ये जो है तुरंत मौके पर, मौका वारदात पर जो जैसे ही एक्यूज आता है या एक्यूज की तरफ से एक्यूज के जो है फैमिली वाले आते हैं, तो उनसे जो है ये क्या करवाने लगते हैं, विक्टिम का ये जो है समझौता करवाने लगते हैं कि मामला कोर्ट तक ना जाए और यहीं पर निपट जाए। ये अंदर की बात बता रहा हूँ,
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एजेंसी है वो अपने आप को ही जो है कोर्टरूम यानी कि जो है अपने आप को ही जजेस बनाने लग जाती है, अपना जो समझौता वहीं पे निपटा देती है मामला। बट देखिए आपके सामने इस मामले ने कैसा टूल पकड़ लिया है कि पूरे नेशन वाइड में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही नेशन वाइड में प्रोटेस्ट जो है हमारे उत्तराखंड का, हमारे हमारे देश के हर एक राज्य में ऐसी विभिन्न सारी घटनाएं होती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो जो है लोगों के सामने उजागर नहीं हो पाती। किसी में तो घूस दे के जो है आरोपी छूट जाता है, किसी में पुलिस वाले ही बिक जाते हैं, किसी में किसी की पॉलिटिकल पहचान होती है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अंकिता भंडारी के केस में जो मेन एक्यूज्ड है उसने जेलर के साथ हाथापाई की है जेल के अंदर। आप समझ सकते हो क्यों, कहां से उसको इतनी हिम्मत आ रही होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। तो पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पर जो है खेलने का मौका मिल जाता है। अब देखिए ये जो हादसा हुआ है ये कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं डिवीजन में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल एक जाना माना हॉस्पिटल है। तो ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल होने के साथ साथ अपने आप में एक मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पे जितने भी मेडिकल MBBS किए हुए जो छात्र जो MBBS क्वालिफाई करते हैं उनको यहाँ पर MBBS की एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इन द सेम वे एंड इन द सेम सेंस कलकत्ता में भी एक मेडिकल कॉलेज था, हॉस्पिटल भी था। तो दोस्तों ये मैं कह रहा था कि जो है लॉ एंड जो हमारा लॉ सिस्टम है यानी कि जो हमारे हमारी जो कानून व्यवस्था है वो ना सिर्फ वेस्ट बंगाल की, उत्तराखंड की भी, असम की, सिक्किम की, नागालैंड की, ठीक है, चेन्नई की, केरला की, हमारे देश के 28 जो रेज हमारे देश के जो 28 राज्य हैं सारी की सारी की जो स्टेट पुलिस सर्विसेज हैं वो सारी की सारी टोटल चौपट हैं। और हाल में ही जो है ऐसे बहुत सारे कृत्य हमारे सामने आते रहते हैं। मैं आपको करंट एग्जांपल, मैं आपको तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको कलकत्ता का एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप सब रूबरू। मैं आपको रुद्रपुर का एग्जांपल दे रहा हूँ। रुद्रपुर में भी एक जो है रेप पीड़िता के संग बहुत ज़्यादा जुर्म हुआ है और उसका रेप एंड देन सी वॉज मर्डर्ड। और उसके बाद में जो है आपको एक जो रेफरेंस और दिया मैंने आपको कि रोडवेज के अंदर एक माइनर से गैंग रेप का ये जो पॉक्सो का मामला सामने आ रहा है। पॉक्सो एक्ट तो आप सभी जानते होंगे, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि ऐसे सारे अपराध जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किया जाता है वो पॉक्सो कहला जाता है, यौन शोषण जिसके हम जिसको हम जानते हैं। तो मैं तो भाई इसकी घोर निंदा करता हूँ, आई स्ट्रांगली कंडेम इट। This should be stopped and you know a strict law should be made against all the offenders, especially for the offenders of law. और आपको ये भी पता होगा कि अगर कभी भी कोई जो है ट्रायल चलता है रेप का, तो किसी भी कोर्ट में अगर वो ट्रायल चलता है तो वो कैमरे में चलता है। कहने का मतलब ये है कि वो ओपन कोर्ट में नहीं चलता, वहाँ पे नॉर्मल जो पीपल है वो जाके नहीं देख सकते कि कौन विक्टिम है, कौन एक्यूज्ड है। क्यों? जस्ट बिकॉज द सोशल सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम एंड इट्स फैमिली। तो कोलकाता का जो रेप केस है उससे तो आप सभी वाकिफ हैं, सभी न्यूज़ में देख रहे होंगे, फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा कर देता हूँ। तो इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी जल्दी जल्दी जो है जो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली जो है उत्तराखंड में भी दो न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रही है जो कि रेप से रिलेटेड है। रेप के सारे प्रोविजंस भी मैं आपको बताऊँगा, बेफिक्र रहिए। रेप से रिलेटेड सारे पनिशमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और मैं जो है इसी वीडियो में सब जो है कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बड़े भाई सुमित हरदेस का कहना है कि उत्तराखंड की वर्तमान कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही है। रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और देहरादून के ISBT परिसर में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को उजागर करती हैं।
देवभूमि में लगातार बढ़ते अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं हमारी सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि वो इन घटनाओं को गंभीरता से लें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएं। प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए और है। और आप और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे भाई। क्योंकि बिकॉज जब कभी भी कोई ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ही तो समझा जाता है। और उसमें भी अगर कोई चीज़ देरी होती है तो फिर ये तो अपने आप में नो जस्टिस हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि लॉ प्रणाली में ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो अपनाया जाता है, ये इसलिए अपनाया जाता है ताकि जो है कोई मासूम व्यक्ति उस अपराध में ना फंसे, है ना। बड़े भाई सुमित हृदय की मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी बात उन्होंने, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपको बता दूं कि सुमित हृदय जी हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। बता दें आपको कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं। और देखिए जिस तरीके से इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, ये अपने आप में काफी गंभीर है। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि सिर्फ ना ही बंगाल में, ना ही बंगाल के कलकत्ता में वो जो ऑफेंस हुआ है, बल्कि हमारे उत्तराखंड में भी तो ऑफेंस हुआ है, इसकी आवाज कौन उठाएगा, वो भी तो बेटियां हैं। सिर्फ इसलिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो इसलिए उनको घेरा जा रहा है। क्यों, क्या ऐसी रेप जैसी वारदातें, रेप जैसी घटिया वारदातें क्या और जगह कभी नहीं होती? क्या कोई जान सकता है कि किस आदमी का, किस पर्सन का गिल्टी इंटेंट है? गिल्टी इंटेंट यानी कि जो उसका आशय है वो बहुत बेकार है, बहुत गिल्टी है। कोई जान सकता है किसी के दिमाग में झांक के कोई जान सकता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और रही बात ISBT वाली, तो देखिए देहरादून का ISBT, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं कि देहरादून किस तरीके की वहां पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर ये वाली व्यवस्था जो है नाकाम नजर आती है तो सच में सरकार निकम्मी है, मैं तो भाई सीधा बोलूंगा। तो सरकार को कोसना बात की बात है, पहले अपने आप में झांकना है। और मैं ये भी कहूंगा कि अपने आसपास झांकना है कि कौन मनुष्य किस प्रवृत्ति का है। तो दोस्तों पॉलिटिकल बातें ज्यादा ना करके मेरा मेन मुद्दा आपको ये बताना था कि किसी भी केस में एकदम तुरंत तुरंत फैसले नहीं किए जाते, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लगता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो लैटिन मैक्सिम है वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और जो दूसरा नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैक्सिम है, ज्यूडेक्स कॉसा सुआ, JUDEX CAUSA SUA। ये दो लैटिन मैक्सिम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं। पहली मैक्सिम का मतलब होता है, पहली मैक्सिम मतलब ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब ये होता है कि बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। और जो दूसरा वाला जो मैंने आपको मैक्सिम बताया, नेमो जुडेक्स कॉसा सुआ, दैट इज नो पर्सन कैन बी जज इन देयर ओन केस। ठीक है, यानी कि एक पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इसने ये गलत किया है या इसने ये सही किया है बिना दूसरी पार्टी को सुने हुए। जैसे कि मैंने आपको मामले की गंभीरता को देखते हुए बता दिया है कि इसमें बहुत सारी पार्टीज अभी आ सकती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, वो लोग बनाएंगे इसको पॉलिटिकल मुद्दा। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है। ट्रेनी डॉक्टर कहने का मतलब ये कि जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद MBBS कंप्लीट करने के बाद MS करते हैं, मास्टर इन सर्जरी, या जैसे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं डॉक्टरी में, तो उनको ट्रेनी बोला जाता है। वो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, एज अ डॉक्टर इनरोल हो जाते हैं,
IMA के वो जो है सदस्य हो जाते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वाली बात है। और आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो ये मामला अपने आप में जो है बहुत सुर्खियां बटोरेगा। तो एज अ नॉर्मल पीपल, एक आम इंसान की तरह आपको क्या करना है, आपको मीडिया से दूर रहना है, ठीक है, आपको मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, आपको कोर्ट के डिसीजन का वेट करना है। यू हैव टू वेट फॉर द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। वर्डिक्ट का मतलब समझते हैं ना, वर्डिक्ट इज द डिसीजन मेड बाय द ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो चलो बिना कोई देरी करे, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, मैं आपको बता दूं ये जो कोलकाता रेप केस है, इसमें जो एक्यूज्ड है उसका नाम क्या है। नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, संजय रॉय, ठीक है। एक 33 साल का ये युवक है, सिविक वॉलंटियर इन लोकल स्टेट पुलिस। देखिए क्या होता है कि पॉपुलेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, सॉरी पॉपुलेशन जो कह रहा हूँ, हाँ एक तरीके से पॉपुलेशन ही कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो हमारे पास देखते हैं ना कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा वाहन तो उतनी ज़्यादा समस्याएं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक नई कॉन्सेप्ट लेके आई है गवर्नमेंट सिविक वॉलंटियर की। तो इसमें जो है जो भी पर्सन्स हैं वॉलंटियर्स होते हैं और उनको जो है कुछ पे कर दिया जाता है, ठीक है, और वो जो है टोटल जो है पुलिस अथॉरिटी नहीं होते, पुलिस के सिपाही नहीं होते, तो वो जस्ट पार्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट होते हैं जो कि वॉलेंटरली हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक बंदा था संजय रॉय नाम का, 33 साल जिसकी उम्र थी, कोलकाता पुलिस द्वारा इसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, इस रेप एंड मर्डर केस में। 2019 में संजय रॉय ने कोलकाता सिविक फोर्स को ज्वाइन किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने सिविक वॉलंटियर का मतलब आपको बता दिया कि ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने में या फिर पुलिस की कोई अदर सहायता करने में, एक पुलिस हो गई अपने आप में, पुलिस की और अदर सहायता करने के लिए एक और डिपार्टमेंट टाइप का बनाया गया है सिविक वॉलंटियर। तो सिविक वॉलंटियर क्या था कि ये जो है इसके पास सिविक वॉलंटियर होने के नाते जो है इसका पुलिस डिपार्टमेंट में आना जाना रहता था, तो इसके पास जो है पुलिस की जो है ड्रेस भी हुआ करती थी और होती भी है, पुलिस की कैप भी हुआ करती थी, होती भी है। उत्तराखंड पुलिस, जैसे हम उत्तराखंड के, तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे सिविक वॉलंटियर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं नीली नीली टी शर्ट में, ठीक है, आपने देखा होगा रोडों पे। तो जैसे हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, तो वैसे ही कलकत्ता में जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। सिंपल सी बात, इतनी सी बात क्लियर। एंड दिस वॉज अ ट्रेजिक रेप एंड मर्डर केस। आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे डिजीज्ड है, डिजीज्ड की उम्र 31 साल थी, सी वॉज अ ट्रेनी डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल विच आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज कोलकाताज आरजीकर हॉस्पिटल। और करीबन अपनी 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद बहुत बंदा थक सा जाता है, तो उसने भी सोचा होगा थोड़ा सा आराम कर लूँ, नैप ले लूँ। और नैप लेने से पहले अपने फ्रेंड के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके जोमेटो से, यानी कि जो है फूड डिलीवरी सर्विस के जो बंदे होते हैं जोमेटो स्विगी, उनसे जो है इस पीड़िता ने ऑनलाइन खाना मंगाया। ये जो घटना है ये करीब, ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको ना इसके एग्जैक्टली वो बताना चाह रहा था, टोटल मैं आपको बता दूं इसको जो है 14 चोटें आई हैं, 14 जगह इसको इंजरीज हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो है डिजीज जो है चश्मा पहनती थी, एज पर द रिपोर्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो चश्मा पहनती थी सी वॉज यूजिंग स्पेक्टिकल्स, एंड उन स्पेक्टिकल्स को पहनते हुए जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है, ऑटोप्सी जिसे बोलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बोलते हैं ऑटोप्सी, ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया हुआ है कि जो डिजीज़ थी, यानी कि जो पीड़िता थी, पीड़िता का जो है चेहरा जो है दीवार में घसीटा गया है, उसमें जो चश्मा था वो भी आँखों में धस गया है, उसके निशान भी हैं। ये एक ट्रेनी डॉक्टर थी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूज़ के जो है 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 5W&1H, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों,
ठीक है, तो ये जो है 5 एलिमेंट्स आपको याद रखने होंगे और इसी के हिसाब से मैं आपको ये न्यूज़ भी बता रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहला एलिमेंट है व्हाट, क्या, तो किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं रेप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। कहाँ पर हुआ था, वेयर, कोलकाता में। व्हेन, अब देखिए कब, हाँ तो मैं जस्ट चेक ऑन कर रहा था कि ये एग्जैक्टली जो है हुआ कब था। ये मैं आपको बता दूं, 8 तारीख से इस घटना की शुरुआत होती है। 8 तारीख को जो है ट्रेनी डॉक्टर अपनी जो है ड्यूटी ख़त्म करती है, 36 घंटे की ये शिफ्ट ख़त्म कर रही होती है, काफ़ी नींद आ रही होती है और जाके जो है सेमिनार रूम जो है हर इंस्टीट्यूट में अपना एक सेमिनार होता है, सेमिनार रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे जाके ये खाना जोमेटो से ऑर्डर कराने से पहले अपने कलीग्स के साथ वहाँ पे जाके सी यूज टू टेक रेस्ट। एज यूजुअली जितने सारे बंदे होते हैं जो ओवर टाइम कर रहे होते हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। और वहीं पर जो है सिविक ड्यूटी कर रहे इस जो वॉलेंटियर है जिसका नाम मैंने आपको बताया संजय घोष, इसकी भी ड्यूटी लगी होती है। एंड सी वो एंड दैट कल्प एंड दिस कल्प्रिट, ठीक है, जो अभी इसमें शायद हो सकता है कि इसे फंसाया जा रहा हो, अभी हम कल्प्रिट ही बोलेंगे, एक्यूज भी बोल सकते हैं। तो संजय घोष जो है इसकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे, और ये जो था ये एडिक्टेड था, ये शराब पीने का आदि था। और ऐसा कौन बताता है, ऐसा जो है इसकी सिस्टर बताती है। सिस्टर की जो है यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, एक मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, वो बताती है कि मेरी दो भाभियाँ थी, दो शादियाँ की हुई थी, और जैसे कि पड़ोसी बता रहे हैं कि उसने 4 शादियाँ की हुई थी और जो है हालत बहुत खस्ता थी। तो ओवरऑल तो जो है मैंने मेन आपको जो मेन मुद्दा है मैंने आपको बता दिया है। हादसा कब हुआ था, 8 अगस्त के दिन, 8 अगस्त की मध्य रात्रि, यानी कि हम 9 अगस्त को भी कह सकते हैं, 8 और 9 के बीच में ये हादसा हुआ है। 9 अगस्त को सुबह 7-8 बजे इसकी बॉडी जो है पाई गई है, ठीक है। और फिर जो है बाकी तथ्य आपके सामने है, पूरा टीवी में चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है हाईकोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया है ये केस सीबीआई के पास पे, और ये वाला जो केस है ना ये सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को कॉज लिस्ट में ऐड हो गया है। कॉज लिस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाईकोर्ट का एक अपना वेबसाइट होती है, एक अपना ऐप होता है, ठीक है, उसमें जो है एक कॉज लिस्ट होती है। उस कॉज लिस्ट में ये मेंशन होता है कि आज की इस पर्टिकुलर डेट में कौन कौन से केसेस लगेंगे। तो 20 तारीख को जो है इस रेप केस का सुनवाई होगी और इसकी जो बेंच है वो हेड करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जेबी पार्डीवाला एंड जस्टिस मिश्रा, मनोज मिश्रा, इन 3 जजेस की बेंच होगी। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि कभी भी जो बेंच होती है वो ऑड नंबर्स में होती है, क्योंकि जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा वो 2:1 के उसमें आए, ठीक है, तभी तो फैसला माना जाएगा। अगर 4 जजेस की बेंच होगी तो 2:2 हो जाएगा, हो सकता है 2 जजेस की अपना उस फेवर में जो है अपना स्टेटमेंट दें, अपना जजमेंट दें, अपना डिसीजन दें, और शायद हो सकता है कि 2 दूसरे जजेस जो हैं वो दूसरी पार्टी के फेवर में जजमेंट दें। तो इससे जो है फाइनल कंक्लूजन तो नहीं होगा, इसलिए कभी भी जो जजेस की बेंचेस होती हैं वो ऑड नंबर में होती हैं ताकि जो है मामले का सॉल्यूशन निकल सके। तो बाकी मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो आप अपनी इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, उसको उतने डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मीडिया का काम ही होता है येलो जर्नलिज्म बोलते हैं जिसे, तड़कती भड़कती चीज़, यानी कि किसी भी चीज़ को तड़कते भड़कते रूप से दिखाना, जो चीज़ रियल नहीं है उसको भी दिखाना, जो चीज़ जो आरोपी नहीं है बेचारा उसको भी आरोपी बना देना। और अभी पता चल रहा है कि जो उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी ये खबर सुन के या फिर ये इंसिडेंट देख के जो है अपना पद त्याग दिया, हो सकता है कोई भी रीजन्स हो सकते हैं। तो ये जो है कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, एविडेंसेस को, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, कोर्ट के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, अपना तरीका होता है, वो सारे तरीके फॉलो किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो केस है सो मोटो, यानी कि खुद के संज्ञान में, यानी कि इतनी मीडिया रिपोर्ट्स ने को देखते हुए जजेस ने जो है ये सो मोटो जो है फैसला लिया है, ठीक है। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मुद्दा नहीं जाता, और आपके सामने ये पहला मुद्दा है जो सीधा ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आपको जाता हुआ दिख रहा है। इसकी सुनवाई 20 अगस्त को होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी है आई थिंक, और मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि रेप और ऐसी सारी वारदातें सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हुई है, तो उसमें भी गौर डालना चाहिए।
उसमें भी गौर करना चाहिए, क्यों आप जो है ममता बनर्जी की सरकार को घेर रहे हो, जब जहां पे लोगों की सोची गिरी हुई है तो उसमें सरकार क्या करेगी। सरकार सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है, अब बीच चौराहे में लाके काट तो नहीं दोगे, ये तो कोई पनिशमेंट होगी नहीं। और ये जो पनिशमेंट है ये बहुत खतरनाक पनिशमेंट जो है मैंने आपको बता दिया, मुगलों के टाइम पे हुआ करती थी, सर धड़ से अलग कर देना, हाथ दीवार हाथ में रख के उसमें कील ठोक देना। जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, जो इंजरीज हुई हैं विक्टिम के सर पे, हेड पे, सर पे, फेस पे, नेक पे, आर्म्स पे, जेनाइटल्स पे, ठीक है, जेनाइटल्स क्या होते हैं, किसी भी पर्सन के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड जेनाइटल्स। और आपको ये भी बता दूं कि मिले गए सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि उसकी जो है गला घोट के हत्या कर दी गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन यानी कि जो जब आपकी सांस रोक दी जाती है, गला घोट दिया जाता है, गला दाब दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन, STRANGULATION। और इसमें जो है ना CBI जो है इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तगड़ी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, यहाँ पे नाम बताया जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, और उनसे उनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स ली जा रही हैं कि उन्होंने किसको पहले फ़ोन किया था, उस इंसिडेंट से पहले किसको कॉल किया, उस इंसिडेंट के बाद में किसको कॉल किया। अगर वो डिलीट कर भी देते हैं, अगर वो इस आरोप में संलग्न हैं या इसमें जो है इसमें लिप्त भी हैं, तो उनकी जो है कॉल डिटेल्स आसानी से निकाल ली जाएगी। इन टुडेज़ वर्ल्ड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उनकी करंट लोकेशन क्या थी, कहाँ थी, क्योंकि जो विक्टिम पकड़ा गया, जो एक्यूज़ पकड़ा गया है, जो आरोपी पकड़ा गया है, वो सिर्फ एक जो ईयरबड्स होते हैं कान के, ठीक है, आपने ईयरबड्स देखे होंगे और गले का नेकबैंड देखा होगा, तो उस बंदे ने नेकबैंड पहना हुआ था, वो नेकबैंड शायद गिर गया था वहाँ पे, या फिर गले का जो कान में लगाते हैं ईयरपॉड्स, तो उनमें से जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला था, वो इंसिडेंट के पास भी गिर गया था। और फिर जब विक्टिम्स को जो CCTV कैमरा में देखा, तो उनको जब बुलाया और जब जो है सबके फ़ोन चेकअप किए, तो जो ब्लूटूथ है वो उस पर्टिकुलर एक्यूज के फ़ोन से कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है जो संदिग्ध है उसकी पहचान हो पाई। अब मैं ये बता दूं कि आज मंडे है, कल संडे का दिन यानी कि इतवार यानी कि रविवार, ठीक है, आज राखी से एक दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मामला अभी जो है बहुत पुराना नहीं हुआ है, बहुत ताज़ा मामला है ये। तो TMC तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उनकी एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिन्होंने CBI से प्रार्थना की है कि इस मामले की बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, और जो फॉर्मर प्रिंसिपल है, जैसे कि नाम मैंने आपको बताई दिया संजय घोष, और जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी भी जो है तह तक जाके जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, वो एक महिला का दुख दर्द बिल्कुल समझ सकती हैं, और मैं तो बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ हूँ। मैं यहाँ उत्तराखंड में बैठा हूँ, लेकिन मैं हूँ उनके साथ, क्योंकि जो है ये मुद्दा जो है जबरदस्ती BJP IT सेल वाले जो है इसको जबरदस्ती उछाल रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं BJP से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं TMC से हूँ। अभी प्रेजेंट पे मैं सिर्फ एक लॉ का एक छात्र हूँ, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो अपने हमें जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 19, वो जस्ट मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रॉय हैं, मिसेज रॉय, इनका ये भी कहना है कि जो ये सुसाइड की जो थ्योरी चली आ रही थी कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, और लड़की के पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपकी लड़की की जीवन लीला जो है समाप्त हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो है जो फॉर्मर BJP MP थे लॉकेट चैटर्जी, उनको भी समन किया हुआ है, और दो अदर डॉक्टर्स को भी समन किया गया है। समन का मतलब होता है बुलाना, ऑफिशियल कॉल, और ना जाने पर पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकती है गुरु। तो उन दो डॉक्टर का नाम भी मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, डॉक्टर कुणाल सरकार एंड डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी। इन्होंने र्यूमर्स फैलाई थी, ठीक है, और इन्होंने आइडेंटिटी भी जो है डिस्क्लोज की थी। मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है,
अब किस सेक्शन में है? BNSK, भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन में ये ऑफेंस है, ये आपका काम है। दिस इज योर होमवर्क। आपका होमवर्क ये भी है कि रेप कहाँ पे डिफाइन किया गया है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, IPC में नहीं, इंडियन पिनल कोड में नहीं, BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। और पनिशमेंट क्या है रेप की, और आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, जो 20 अगस्त को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या जो है हियरिंग आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो 20 अगस्त को ही पता चलेगा। और बड़ी ताजुब की बात है कि कोलकाता जो है, अंग्रेजों ने जहाँ सबसे पहले शासन किया था, अंग्रेजों ने जहाँ पे सबसे पहले फोर्ट विलियम में अपना जो है स्थान बनाया था, रूल करने का स्थान बनाया था, वहाँ पे ऐसी शर्मसार कर देने वाली जो है घटना हमें सुनाई दे रही है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि जो है हमारी सरकार का जो है भट्टा गुल है, क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छी पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो बहुत बुरा हाल है, बद से बदतर हाल है। डॉक्टर बड़ी बदतमीजी से सुलूक करते हैं पेशेंट्स के साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखा है मैंने। मैं जाता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्या करें, जाना पड़ता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की जो है व्यवस्था है कहीं पर भी पर्टिकुलर प्लेस पे। और कुछ ऐसे प्रोमिनेंट जो विख्यात डॉक्टर हैं, माने जाने डॉक्टर्स हैं, जैसे अशोक वैद, हर्ष महाजन, अनूप मिश्रा, AK ग्रोवर, अलका कृपलानी एंड मोहसिन वाली, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, जस्ट टू इमीडिएट एंड पर्सनल इंटरवेंशन, ठीक है, ताकि इस समस्या जो है, ये जो मेन मुद्दा है, इसका जो है तुरंत जो है जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, इस पर जो है क्विक एक्शन लिया जाए। और एक्शन लेने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है सुप्रीम कोर्ट से अर्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सारे सभी साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जो है एक पूरी गहन डिटेल आपको इस केस में मिल गई होगी। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से वो जो मैंने मिस किया है वो है रेप्स के सेक्शन, उनकी पनिशमेंट, ठीक है, मर्डर के सेक्शन, मर्डर की पनिशमेंट। तो चलो, इतना जब कवर कर ही दिया है तो ये भी कवर कर लेते हैं, 5 मिनट और सही। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो मर्डर जो है ना, पुरानी IPC में आप सभी को पता है कि 299 में कल्पेबल होमिसाइड था और 300 में मर्डर था, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में सिर्फ इंटेंशन का डिफरेंस होता है। अगर इंटेंशन प्रूफ कर दिया कि इसे जान से ही मारना चाहता था, इसने मार के मारा है, तो वो मर्डर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और अगर इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाए तो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गुरु, ये सिंपल सी बात है। BNS की अगर बात करें, भारतीय न्याय संहिता, IPC का नया नाम है, कब इनेक्ट हुई है? 1 जुलाई 2024 को। इसके लिए मैं अपनी ग्रंथ खोल देता हूँ, ठीक है, नई वाली क्रिमिनल मैनुअल आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है नई वाली क्रिमिनल मेजर एक्ट, तो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने देखना है IPC यानी कि BNS। ये रही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता लिखा हुआ है। अब इसमें हम जाएंगे कंपैरिजन वाले सेक्शन, कंपैरिजन जहाँ पे टेबल कंपेयर कर रखी है ना कि पुराने IPC में जो सेक्शंस थी वो नई वाली BNS में क्या है। तो हमें देखना है कि पुराने वाले में जो सेक्शन 300 था मर्डर वाला, वो अभी क्या है। तो हम खोलेंगे, 300 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमने खोला, देखिए यहाँ पे जो है सारी जो है ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। दहेज मृत्यु 304 खौ में जो था भारतीय दंड संहिता में, वो अब 80 में है, लेकिन हमें जाना है हत्या में। हत्या जो 300 में था वो 101 में है, किसके? वो न्याय, भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो ऑफेंस था, हाँ, इसका जो है आपको पनिशमेंट भी मैं आपको दिखा दूँ। 302 में जो है इसमें हत्या करने के लिए दंड दिया रहता था, इसमें 103 के क्लॉज 1 में ही जो है यहाँ पे हत्या करने के लिए दंड दिया है। हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप अंग्रेज हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, और इसी को रेप्लिकेट किया है
BNS में 103(1) में पनिशमेंट फॉर मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर 103(1) में, मर्डर डिफाइन है 101 में और कल्पेबल होमिसाइड है 100 में। ठीक है, इस चार्ट को आप जो है ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं और थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, जितना आपकी स्क्रीन में आता है अच्छे से आप जो है इसे कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। चलते हैं रेप के सेक्शन पर। जहाँ तक मुझे याद है रेप वाला सेक्शन था 375 के आसपास, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये रहा 375 बलात्संग, रेप को हिंदी में बलात्कार नहीं बोलते, बलात्संग बोलते हैं, और यही बलात्संग दिया हुआ है 63 में। तो चलते हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेप की, तो रेप के जो है मेन कंटेंट पे चलते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो है, आपको जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर मिल रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथ वालों के संग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ऐसे अगर आप बिना देखे चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दिल को बहुत गिल्टी फील होता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा पूरा का पूरा ज्ञान निचोड़ देने का एक ही वीडियो में, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में अभी आपको बताया, उत्तराखंड का भी एक जो केस था बस के अंदर, ISBT के अंदर जो है अभी मामला है कि दुष्कर्म वाला, गैंग रेप वाला जो है नाबालिग के संग, तो ये सारे मैटर्स जाते हैं पॉक्सो में, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, निर्भया जो है रेप केस जब हुआ था 2014 में, उसके बाद जो है इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आए थे, और अब देखते हैं कि अब इस वाले केस के बाद और क्या क्या प्रोविजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, वो जो बच्ची है जो उत्तराखंड वाली है, ISBT में जो रेप विक्टिम है, गैंग रेप की विक्टिम जिसको बताया जा रहा है, 16 वर्ष से कम है शायद उसकी आयु, और इसके लिए जो है 376 DB में दिया हुआ था IPC में, और इसी चीज़ के लिए नई वाली BNS देखेंगे तो 70 के क्लॉज 2 में सामूहिक बलात्संग, यहाँ पे 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड, यानी कि पनिशमेंट फॉर, क्या लिखा हुआ है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो जल्दी से मैं इसके प्रोविजंस पे चलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रेप वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, पढ़ते हैं इसको, इसका भी ऑपरेशन करते हैं। ये देखिए नई वाली BNS में, भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 5 चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, इसमें जो है रेप की डेफिनेशन दे रखी है, सेम है कि अ मैन इज सेट टू कमिट रेप। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन इसके लिए लायबल होगा, अ मैन, यानी कि ये सिर्फ जो है जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, जेंडर न्यूट्रल सेक्शन नहीं है, यानी कि ये सिर्फ मैन द्वारा किया जाएगा, तो तभी ये रेप कहलाया जाएगा। पहला प्रोविजन है कि पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, पेनिस सभी जानते हैं, ठीक है, पेनिस को हिंदी में इसमें क्या बोला गया है, लिंग, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। पहला प्रोविजन तो यह है रेप का, इंग्लिश में आपने पढ़ लिया, जितने अंग्रेज हैं पढ़ ले, पेनिट्रेट्स स्पेनिस टू एनी एक्सटेंट इन टू द वेजाइना माउथ यूरेथ्रा एनिस ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रोविजन जो है इसमें, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट मतलब अदर देन पेनिस और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बींग द पेनिस इन टू द वेजाइना एंड यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा अपने नाम के साथ, मैं बिल्कुल आपका नाम लेके जो है आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तीसरा वाला क्लॉज आप इसमें देखिए, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इन टू द वेजाइना यूरेथ्रा एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। हिंदी में पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन
कारित किया जा सके या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। तो ध्यान में देना, इसमें बताए गए जितने क्लॉजेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको ध्यान में रखना है एज अ लॉ स्टूडेंट। और अगर आप कॉमन नागरिक है तो आप तो जस्ट पहले ही छोड़ सकते हैं। अगर आप पे जानने की जिज्ञासा है तो आप इसे फर्दर जो है वॉच ऑन कर सकते हैं। चौथा प्रोविजन देखो इसका कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है। और नीचे दे रखा है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फ्लोइंग सेवन डिस्क्रिप्शंस, पहला अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के बिना अगर वो सहमत होगी तो रेप तो कहलाएगा ही नहीं, पहला तो अगेंस्ट हर विल, फिर विदाउट हर कंसेंट। देखिए कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 28 में, 28 यहाँ पर ये जो है मैंने गलती से लिख दिया आईपीसी नहीं, ये बीएनएस की 28 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे बाद में भी जो है गलत करवाएगी औरों को। तो कंसेंट की अगर आपको डेफिनेशन जाननी है कि विदाउट हर कंसेंट क्या होता है, तो उसके लिए आप खोल सकते हैं सेक्शन 28 बीएनएस, लगे हाँ तो इसे भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन 28 और ये चीज़ जो है सेक्शन 90 में दे रखी है आईपीसी, आपको इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं उसी को देखें, ठीक है। तो कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, हिंदी में पढ़िए इसको, यही वाली हिंदी पढ़ना, अपने मन से हिंदी मत बना देना। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, दो वर्ड लिखे हैं भय या भ्रम, ठीक है, फियर और मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन इसमें भी जो है तीन प्रोविजन दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। बी में दे रखा है अगर आपको जो है कंसेंट दी है, यानी कि आपको अगर सम्मति दी है और वो जो सम्मति दी है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण दी है या फिर इंटॉक्सिकेशन के कारण दी है, और इस टाइम पे क्या होता है कि जब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है या कोई इंटॉक्सिकेशन होता है, इंटॉक्सिकेशन मतलब जब आपने शराब पी ली हो या कोई नशा कर लिया हो, तो उस समय जो है आप जो है कार्य के इफ़ेक्ट को समझने में जो है समझ नहीं पाते उनको एग्जैक्टली हुआ क्या, तो इसलिए ये जो है इसका एक्सेप्शन है। तो ऐसे में जो है फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कोई भी कंसेंट जो डर से या फिर किसी चोट के द्वारा पहुंचाई गई हो वो कंसेंट कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कोई भ्रम में जो कंसेंट दी गई हो वो कंसेंट कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये सब चीज़ है, और साथ में ये भी लिखा है ऐसी कोई कंसेंट विच इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, किसी 12 साल के अंदर के बच्चे की कंसेंट अगर आपने ली हो तो वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं कहलाई जाएगी, फ्री कंसेंट नहीं कहलाई जाएगी। तो दोस्तों आप क्या समझे फ्री कंसेंट से, फ्री कंसेंट से मैंने आपको तीन प्रोविज़न इसमें दिखाए जो कि सेक्शन 28 में है ए बी सी, ठीक है, यानी कि ए वाला जो है क्लॉज उसमें बोलता है कि अंडर फियर और इंजरी या अंडर मिसकंसेप्शन, अगर आप भ्रम में हैं या फिर आपने डर के कोई कंसेंट दी है तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं है, आप भ्रम में आपने जो है किसी और को समझ के किसी और के लिए कंसेंट दे दी वो जो है वो भी कंसेंट नहीं है, ठीक है। और तीसरा बात जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से दी गई कंसेंट कंसेंट नहीं है, इंटॉक्सिकेशन से दी, इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में दी गई कंसेंट कंसेंट नहीं है। इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या होता है, मत्तता बोलते हैं इसे हिंदी में, मत्तता, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन को बोलते हैं मत्तता, यानी कि द पीरियड द टाइम व्हेन यू एज्यूम सम इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस लाइक यू टेक सम वाइन्स, यू टेक सम अल्कोहल और यू टेक सम अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, आपको पता नहीं चलता आपके संग हो क्या रहा है। तो डेट्स ऑल अबाउट कंसेंट, वापस चलते हैं रेप की डेफिनेशन पे। इन प्रोविजंस को आपने अच्छे से देखना है, नीचे वाला भी देखना है, विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट कैसी है 28 में जो दी है, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी जो है पॉइंट्स हैं कि विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम सी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, कंसेंट उस टाइम पे लेना उसको जब डरा धमका के, उसकी कंसेंट है, उसकी सहमति है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर कंसेंट है वो कैसे ऑप्टेन की गई है, वो किसी पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, हो सकता है उसके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी देकर उसके संग रेप किया गया हो, वो उसमें उसने अपनी कंसेंट दे दी हो, या उसे अपनी जान की फिक्र हो कि मुझे मार देंगे तो उसमें कंसेंट दे दी हो, तो वो भी कंसेंट, ठीक है, तो वो भी रेप कहलाएगी ऐसे कंसेंट में।
With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. ठीक है, इसको हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है. उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता हो कि वह उस महिला का पति नहीं है, और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वो ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वो विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है. पांचवें पॉइंट पे चलें इसके. इसमें लिखा है कि विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच सी गिव्स कंसेंट. हिंदी में पढ़ लीजिए. लिखा है कि उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वो चित्त विकृत, या कि चित्त विकृत क्या होता है, चित्त विकृत का मतलब होता है अनसाउंडनेस. ठीक है, उस टाइम के लिए जो है, या फिर परमानेंटली जो है वो पागल है. साफ सी बात यहाँ पर ये है, जो एक्ट को समझ ही नहीं पा रही है, या मत्तता के कारण, या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदन शून्य करने वाला या अस्वास्थ्य कर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके बारे में वो सम्मति देती है. तो ये भी जो है ये इम्पॉर्टेंट क्लॉज है. ठीक है, उसके बाद छठा क्लॉज में देखिए, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. अगर 18 ईयर्स के अंडर उस लड़की की एज है, वो अपनी कंसेंट भी दे रही है, तो तब भी वो रेप माना जाएगा. व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर लड़की गूंगी है तो तब भी जो है कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जो है वो रेप माना जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना सेल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा. हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं. इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अंतर्गत व्रष्ट भगोष्ठ भी है. देखिए, वेजाइना के दो पार्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनर. आई थिंक जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्लास 12th की बुक में दिया हुआ था, या जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ. ये जो है मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाते होंगे. फिर उसके बाद देखिए, कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलेंट्री एग्रीमेंट when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. ठीक है, ये एक टाइप का एग्रीमेंट आप समझ लीजिए कि आपने एग्रीमेंट किया किसी से, और एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जरूरी होता है, तो तभी वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता है. इसका प्रोविजंस भी देखिए कि प्रोवाइडेड दैट अ वूमेन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन सेल नॉट बाई रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी. ठीक है, तो इसका जो है प्रोविजन साफ जो है इतनी सी बात कर रहा है कि जब कोई महिला जो है कैपेबल नहीं होगी रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो नहीं रोक पाती, तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी कंसेंट दी हुई है, तो वहाँ पे भी वो रेप ही माना जाएगा. उसके बाद आप इसके दो एक्सप्लेनेशन देख ली, एक्सेप्शंस देख लीजिए. एक्सेप्शंस कहाँ पे हैं, इसके अपवाद बोलते हैं, जहाँ पे ये रेप नहीं माना जाएगा, यानी कि आप मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप. जैसे कि पहले टू फिंगर टेस्ट होता था, तो वो जो है एक्सेप्शन में आता था, अब तो जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया है. एक्सेप्शन टू देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप. तो इतनी सी बात तो आप समझते होंगे. और यहाँ पर जो है हमारा रेप का जो है ये डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो जाता है. और फिर वहीं पर जो है सेक्शन 64 में आप देखोगे यहाँ पे पनिशमेंट फॉर रेप भी लिखा हुआ है. Whoever except in the cases provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description of a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. कठोर दंडावास की यहाँ पर बात की गई है, जो 10 साल से कम तो नहीं होगा लेकिन आजीवन कारावास आपको हो सकता है, और आपको जो है फाइन भी देना पड़ेगा, ताकि जो है आप उस विक्टिम को उसकी दोबारा स्टेट, जैसे स्टेट में पहले थी उस स्टेट में आप लेके आ सको, उसकी मनोस्थिति ठीक हो जाए. अब वैसे भी ये रेप वाले जो
एक्ट हैं जो ये खतरनाक टाइप के खतरनाक प्रवृत्ति के जो ये अपराध हैं, इसमें जो है इन फाइन वाली बात तो एक तरीके से ठीक है कि उसके जो विक्टिम्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अगर वहीं पे अगर कोई रेप करता है और वो क्या है पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही रेप कर देता है विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन जहाँ का वो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके देखना, इन द प्रमाइजेज ऑफ एनी स्टेशन हाउस, स्टेशन हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है, यानी कि थाना। थर्ड वाला देखिए, ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर। फिर देखिए दूसरा वाला जो है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, अगर वो रेप कमिट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए लोक सेवक क्या होता है, आईएएस आईपीएस भी होता है। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया और वो पब्लिक क्या है, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, जेल में है, प्रिजन में है, या जो जेलर होता है आप जेलर समझ लीजिए, वो अगर ऐसा काम कर देता है, ठीक है, तो तब भी जो है जो पनिशमेंट के देखना जो है टर्म्स बढ़ जाएंगे। तो आप जो है थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे और ये सारे प्रोविजंस हैं। इसको आप जो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। तो सीधा इनको पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन पे जाइए, एक्सप्लेनेशन से पहले यहाँ पे इसकी पनिशमेंट लिखी है। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, जो भी मैं आपको बता रहा था पुलिस वाला है, अगर वो रेप करता है किसी का तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, उसके लिए होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पर जो है आजीवन कारावास का प्रोविजन दिया हुआ है। और यहीं पे देखिए बहुत सारे इनमें से कहीं पे भी आर्म फोर्सेस वाली बात भी कही होगी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डिप्लॉयड इन एनी एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट कमिट्स रेप इन सच एरिया। अगर कोई वो आर्मी वाला बंदा है, अगर वो रेप करता है तो उसके लिए भी सेम यही पनिशमेंट होगी। और यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर रखा है कि आर्म फोर्स मतलब क्या होता है, नवल यानी कि नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का और जितने भी आर्म फोर्सेज होते हैं कॉन्स्टिट्यूट अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेज CRPF CSF ये जितने होते हैं ये सारे के सारे जो हैं आर्म फोर्सेज के अंदर आएंगे। पब्लिक ऑफिसर को भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अगर आपको दिक्कत है तो जानने में कि पब्लिक ऑफिसर क्या होता है, शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द एक्सप्रेशन पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861। नॉर्मल सी बात है कि पुलिस। हॉस्पिटल मीन्स द परकिंस ऑफ द हॉस्पिटल एंड इंक्लूड्स द प्रीकिंग्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्संस ड्यूरिंग कॉन्वालिजेंस और ऑफ पर्संस रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, हिंदी में पढ़ लीजिए समझ जाएंगे। अस्पताल में अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सक देखरेख पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए। सीधी सी बात यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जो नशे के शिकार हो जाते हैं, उनको जो है रिहैब सेंटर्स में भर्ती कराया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो है उनको ट्रीटमेंट किया जाता है और वहाँ पे भी जो है अगर वहाँ का कोई स्टाफ अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है, किसी कोई अगर लड़की कोई नशे के शिकार हो चुकी है और वहाँ पे उसके घर वालों ने उसे उसके ट्रीटमेंट के लिए डाला है, तो वहाँ पे अगर ऐसे किसी लड़की के संग कोई रेप किया जाता है तो वहाँ पे भी यही वाला प्रोविज़न अप्लाई होगा, आजीवन कारावास वहाँ पे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। लास्ट वाला जो है आप एक ये वाला भी पढ़ लीजिए, वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड एन ऑर्फनेज और अ होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन और चिल्ड्रन और अ विडोज होम और एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बाय अदर नेम विच इज एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फॉर द रिसेप्शन एंड केयर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन। हिंदी में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, महिलाओं या शिशुओं की संस्था से ऐसी संस्था अभिप्रेत है चाहे वो अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या शिशुओं के लिए घर या विधवा आश्रम या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो जो महिलाओं और शिशुओं को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है।
प्यारे मित्रों, मैंने अपने एंड से जो है सारी की सारी कोशिश की है। और हाँ, ये जो लास्ट वाला प्रोविजन था, इसमें जो अनाथालय वगैरह होता है, जो चिल्ड्रंस होम होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी बच्चियाँ होती है और वहाँ पे उनको टेक केयर करने के लिए बहुत सारी महिलाएं होते हैं, और उनका जो है, उनका जो हेड होता है उस संस्था को जो चला रहा होता है, अगर वो ऐसे किसी के संग रेप करता है तो वो भी जो है नहीं बख्शा जाएगा, उसको भी जो है कहाँ तक इम्प्रिजनमेंट, उसके आजीवन कारावास, यानी कि उसको जो इम्प्रिजन मिलेगी टिल हिज लास्ट ब्रेथ, अपनी उसकी आखिरी सांस तक वो जेल में ही रहेगा। और इम्प्रिजनमेंट कैसा रहेगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी से आप जो है संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैंने अपने एंड से सारा जितना मुझे पता था, क्योंकि ये जो है मेरा कॉन्सेप्ट है कि कम विथ मी लर्न विथ मी, जो मुझे आता है वो आपको भी आए, क्योंकि नॉलेज इज वन थिंग विच यू कैन शेयर, और जो ये शेयर करने से और बढ़ती है, दिस इज द राइट थिंग एंड आई एम डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो टीवी में जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। जुडिशियल मैटर्स में अखबारों में जो कुछ भी छपता है, इनका भी कोई औचित्य नहीं होता है, एविडेंसेस के तौर पर इनको नहीं लिया जाता है। जितनी भी जो है, जैसे पोस्टमार्टम, जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उसको लिया जाएगा, जो भी जो है, जो भी लीगल जो टर्मिनोलॉजीज होती है और जो लीगल प्रोसीजर होता है, उनको जो है फैक्ट में लिया जाता है, उनको जो है प्रोसीजर में लिया जाता है, और उसी प्रोसीजर से सारा जो है सब कुछ लिया जाता है। मीडिया में कितने जो है हजारों लोग बोल रहे कि मार दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। हो सकता है उसको फंसाया जा रहा हो, क्या पता वो बेचारा किसी के पॉलिटिकल दबाव में आके कह रहा हो, है ना, हो सकता है उसमें और भी इन्वॉल्व हो सकता है वो गैंग रेप हो। और हाँ, गैंगरेप से याद आ गया, गैंगरेप के पनिशमेंट देखते हैं और गैंगरेप होता क्या उसे देखते हैं। तो दोस्तों, गैंगरेप भी ऐसे ही होता है, क्योंकि वीडियो का जो है लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। और गैंगरेप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा जने जो है मिलकर कोई रेप कर रहे हों, रेप की डेफिनेशन में फॉलो कर रहे हों, वही जो है गैंगरेप कहलाता है। और उसमें जो है फांसी मिलती है, निर्भया रेप केस आपने सुना था, चलती बस के अंदर महिला से किए दुष्कर्म, रेप एंड फिर वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाई उसका अम्मा जो है, तो उसमें जो है डेथ पनिशमेंट मिलती है। और फिर भी फॉर माय कंफर्मेशन मैं देख लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मुझे जो है गैंगरेप भी मिल गया, 376D में जो था IPC के, इंडियन पिनल कोड के 376D में था, और अब ये जो है BNS के 71 में आ गया है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 376D गैंगरेप, 71 गैंगरेप, 71 काहे का, ये भारतीय न्याय संहिता का। गाइस, ये देखिए, आपकी जो है इच्छा पे मैंने गैंगरेप वाला प्रोविजन भी खोल दिया। गैंगरेप, वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्संस कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with a fine provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim where a woman under 18 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। हिंदी में आप इसे देख लीजिए, सामूहिक बलात्संग, ये हिंदी में लिखा हुआ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इतना आप जो है कष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर देखिए क्या डिफरेंस है, आपने दो क्लॉज देखे गैंगरेप में, पहला और दूसरा। पहले में जो है पनिशमेंट का फर्क है, कम से कम 20 साल की सजा है। और वहीं पर अगर कोई जो गैंगरेप, जो मैंने आपको ये वाला बताया था, देहरादून वाला जो मैंने बस केस बताया था, याद है आपको, देहरादून में जो ISBT में जो माइनर के संग जो गैंगरेप वाली बात आई थी, तो उसमें ये वाला प्रोविजन, अगर ये साबित हो गया ये गैंगरेप है, तो उसमें जो है डेथ पनिशमेंट मिलेगी। लेडी डॉक्टर वाले में डेथ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है।
अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर अगर सीजीआई साहब हमारी जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या कहेंगे, देखते हैं उनका कहना जो है, ज़रूर देखिएगा। और मैं जो है उनकी जो भी कंटेंट है, जो भी उनका जो बाइट्स हैं, वो मैं ज़रूर अपने चैनल में पक्का पोस्ट करूँगा उससे रिलेटेड। तो 20 अगस्त का इंतज़ार है सभी को, और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो है आप समझ गए होंगे, गैंग रेप के पनिशमेंट, नॉर्मल रेप ठीक है, और मर्डर आपने देखा, मर्डर के पनिशमेंट आपने देखे, मर्डर के पनिशमेंट नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, रिमाइंड करा देता हूँ। तो दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पनिशमेंट फॉर मर्डर, अकेले क्या ही पढ़ूँ, आपको भी पढ़ाता हूँ। पनिशमेंट फॉर मर्डर, Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. When a group of 5 or more persons acting in a concern commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine. यहाँ पे भी पनिशमेंट ऑफ मर्डर में डेथ का पनिशमेंट तब है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग, मैंने ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पे हिंदी में दिखा देता हूँ, जो कोई हत्या करेगा वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग को जो है इसके प्रोविजन काफी हद तक समझ में आए होंगे और अच्छे से आ गए होंगे समझ में, ऐसा उसमें ना समझ वाली कोई बात ही नहीं है ठीक है। मर्डर में जो है आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, या वो या आजीवन कारावास करे या आपको मृत्यु दंड दे, कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं जिसे। और अगर वो गैंग के द्वारा किया गया मर्डर है, गैंग भी कौन सी, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैंग के द्वारा किया गया मर्डर है, चाहे आप जो है 5 के 5 जने, अब आप अपने मन में धारणाएं बना रहे होंगे कि यार कहीं पे जो है 5 लोगों ने कहीं पे सम्मिलित होते हैं, लेकिन 5 में से जो है किसी कोई एक को दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, वो जो 5वां बंदा है जो देख रहा था, वो भी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल में आ जाएगा और वो वैसे ही लायबल होगा, उतना ही दायित्व तो उसका भी होगा जो बाकी के 4 मेंबर्स का था। तो जो है इस बात को समझिएगा कि ये ऐसा जो है समाज में मिसाल ना बने दोबारा, है ना। तो इस चीज़ को आपको अपने अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास वालों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, बिल्कुल चील सी बांस सी नज़रें रखनी पड़ेगी कि किसके क्या इंटेंशंस हैं, ये आपको पहले से परखना पड़ेगा। और ये आप कब परखोगे, जब आपके जो है नैन चक्षु खुले होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को विनम्र विराम देता हूँ, यहीं पर इसको फिनिश करता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैंने अपने एंड से तो सब कुछ बताया ही है, और आप भी अपने एंड से जो है थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और इसमें जो है इस केस के जो है कुछ और जो भी निकलते हैं, जो बयान वगैरह निकलते हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह निकलते हैं, जो भी जितने भी जुडिशियल जितने भी जो है रिपोर्ट्स निकलती हैं इसमें, तो उसको जो है आप नीचे कमेंट में कभी भी देख रहे हो, चाहे आप आज से 10 साल बाद भी क्यों ना देख रहे हो, आप ज़रूर अपने कमेंट, अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा, आपकी कमेंट का बहुत बहुत स्वागत है ठीक है। तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो लाइन मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो लाइन है वो हर किसी पर्सन के लिए है कि वी शैल ओवरकम सम डे, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। ये लाइन उस पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए भी जाती है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसका रेप, जिसका बेरहमी से रेप कर दिया गया, जिसको बेरहमी से मार दिया गया, विक्टिम चाहे जो भी है सलाखों के पीछे जाना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, मेरी ये अपील है। लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, कहीं पता चला वो बेचारा अकेले जो है किसी के कहने पे जो है बोल रहा है कि हाँ मुझे जेल कर दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, और पता चला वहाँ पे तो वही ग्रुप जो गैंग रेप है उसमें जो है पॉलिटिकल मेंबर्स भी शामिल है, हो सकता है उसमें कोई मेल मेंबर डॉक्टर भी शामिल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, रिवेंज में किया गया हो केस, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो है जड़ तक जो है जांच की जाए और उसी के बाद जो है इसमें जो भी है
वर्डिक्ट दिया जाए। रहेगा इंतजार 20 अगस्त का, और आपको भी होना चाहिए इंतजार 20 अगस्त के बाद में। जितनी भी वीडियोज यहाँ पे पब्लिश होंगी उसमें जो है आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए। तब तक के लिए जो है आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के आप लोग इसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।